नमस्कार। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव समाप्त करने के लिए जगह जगह जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं उन सब को खत्म करने के लिए ब्रिटिश का एक न्यायाधीश आता है। उसका नाम था सिडनी रॉलेट और उस कमीने ने एक ऐसा घटिया कानून लाया कि जिसके तहत लोगों को हम बिना बताए बिना कोई कारण बताए जबरदस्ती उठाएंगे जेल में डाल देंगे और जब तक चाहेंगे बंद रखेंगे छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा घटिया कानून लाया उसके लिए जगह जगह देश में विरोध होने लगा। ये सिडनी रॉलेट नाम का जो न्यायाधीश था ब्रिटेन से आया हुआ था और यहाँ आकर न्याय करने का काम कर रहा था, यहाँ पे कानून बना रहा था और उसने उस कानून को फरवरी में पेश किया 1919 को और पास भी करवा लिया और पास करवा के उसने 8 मार्च 1919 को इस कानून को देश में लगा दिया। ये ऐसा कानून था कि बिना अपील बिना दलील बिना वकील आप किसी को भी जब चाहो गिरफ्तार कर लो और जब तक मन करे जेल में रखो छोड़ो मत। ऐसा घटिया कानून, ऐसा कानून छोटा, इसका छोटा रूप आज भी अपने यहाँ चलता है लेकिन हमेशा नहीं चलता। आप देखते हो कि जब कभी आपके यहाँ वोटिंग होने लगती है, चुनाव होने लगता है, तो क्या करते हैं कि जो उस गांव जहाँ चुनाव हो रहा होता है उस गांव क्षेत्र के जो दबंग लोग होते हैं उनको उठा के पुलिस थाने ले जाते हैं। जब चुनाव शांतिपूर्वक हो जाता है तो उनको वापस छोड़ देते हैं, इसलिए कि उनको अंदेशा होता है कहीं ये चुनाव में धांधली ना कर दें, उस गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले से उठा ले जाते हैं। तो ऐसा तो मान लो तो उसमें रहता छोड़ देते थे ना कि काम खत्म छोड़ देते हैं। यहाँ इसने जो कानून लाया इसमें ये व्यवस्था कर दिया कि हमें जब तक आप पे शक रहेगा हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आप ना तो वकील कर सकते हो ना तो आप दलील दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, आप जेल में रहोगे। ऐसा घटिया कानून रॉलेट लाया था, रॉलेट सिडनी रॉलेट जो कि न्यायाधीश था, ब्रिटिश न्यायाधीश था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। एक्ट मीन्स अधिनियम होता ही है, रॉलेट एक्ट इसका नाम रखा गया। तो ये आया कब, फरवरी में, और लागू कब हो गया 1908 मार्च 1919 में। ये कहानी आप जोड़ते चलिएगा क्योंकि ये रॉलेट एक्ट ही जलियांवाला बाग नरसंहार का कारण बनता है, यही बनता है। ये कमीना ना आया होता तो कुछ नहीं होने वाला था लेकिन इसी की वजह से हुआ, इतने लोग निर्दोष मरे, इतने लोग मरे। आगे बात करते हैं। तो ये जब ये कानून लागू हुआ, ये सब घटनाएं पंजाब के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर तो पंजाब के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मुख्यतः जलियांवाला बाग पंजाब में है तो वहीं पर ये घटना होती है। जब ये लागू हो गया और इस कानून के तहत दो लोगों को पंजाब में गिरफ्तार कर दिया गया, बड़े नेता थे उस टाइम, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को जब इन ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, इन दोनों को इस रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण नहीं, बस शक के आधार पर कि ये लोग कुछ क्रांतिकारी घटनाओं में लिप्त हैं इसलिए इनको गिरफ्तार करते हैं। बस क्रांतिकारी अपना काम ना कर सके, देश की आज़ादी के लिए अभियान ना चला सके, इसके लिए कानून लाया था और इस कानून के तहत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों को आजाद करवाने के लिए भीड़ क्या करेगी, भीड़ चाहेगी इन दोनों आजाद हो जाएं क्योंकि इनके नेता हैं, ये लोग भीड़ के नेता हैं। तो आम जनता इनको आजाद कराने के लिए एक शांति जुलूस निकाला कि हम सरकार के इस नियम से, इस कानून से खफा हैं, हमें ये कानून मंजूर नहीं है, इस कानून को वापस लिया जाए। इसके लिए एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया और जुलूस एक सड़क पर जा रहा था, शांतिपूर्वक जा रहा था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, केवल हम विरोध कर रहे हैं, बताना चाहते हैं हम आपके कानून से सहमत नहीं है। और भीड़ मतलब कि जुलूस ऐसे जा रहा था, सामने से कुछ अंग्रेज आ गए और वो भीड़ को मारने पीटने लगे और लेकिन भीड़ हटी नहीं, भीड़ एकदम शांतिपूर्वक जा रही थी, भीड़ ने आक्रमण भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, भीड़ शांतिपूर्वक जा ही रही थी, इसमें फायरिंग हो गई और दो आदमी भीड़ में मर गए। अब कितना बर्दाश्त करेगा कोई, जब तक मारते होगे हमेशा बैठ के मार ही खाता रहेगा, सब गांधी जी नहीं बन सकते ना। तो भीड़ को गुस्सा आया और भीड़ ने क्या किया कि वहीं एक सरकारी इमारत थी उसी में पकड़ के पांच उसी मतलब कि उसी सरकारी इमारत में आग लगा दिया और पांच लोग जिंदा जल के मर गए उसमें। इससे अंग्रेज और क्रोधित हो गए, भीड़ में भी दो लोग मरे थे और पांच लोग अंग्रेजों के मर गए, इससे अंग्रेज और क्रोधित हुए और ये कानून और सख्ती से लागू करने का विचार करने लगे और उन दोनों को छोड़ा भी नहीं, अभी और अभी छोड़े नहीं है। अब ध्यान रखना, फरवरी में पारित किया, मार्च में लागू कर दिया, उसके दौरान ये सब घटनाएं हुई, तब तक अप्रैल आ गया, बैसाख का दिन था, बैसाखी का त्यौहार था, रविवार का दिन था, 13 अप्रैल की बात है, 1919 की ही घटना है। पंजाब में ये पंजाब दिख रहे हो, पंजाब में अमृतसर स्थान है, आप जानते हो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है,
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लोग गए दर्शन करने। बैसाखी का दिन था, लोग सुबह सुबह नए नए कपड़े पहने, सुबह उठे, तैयार हुए, नए नए कपड़े पहने, लगभग 10-11 बजे के आसपास लोग निकले, गए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, मत्था टेके। पूजनीय स्थान है सिखों का, आप जानते हो, मत्था टेके। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, जितने लोग थे सब मेले में, सब लोग जाते हैं और पवित्र स्थान है तो वहाँ सब जाते हैं, मत्था टेके। उसके बाद लौटते वक्त वहीं स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर जलियांवाला बाग था, उसी बाग में लोग इकट्ठा होना शुरू किए। इसलिए ये जो कानून आया है, इस कानून को खत्म करवाया जाए, इसके लिए कुछ विचार चल रहा था, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक को अलग आजाद कराने की बात चल रही थी, इसके लिए उस बाग में लोग इकट्ठा हुए। अब मान चलो, अगर इतना बड़ा बाग हो, इतना बड़ा बाग हो और यही मेन गेट है, यहाँ पर एक गेट था, ठीक है, इस गेट पर आकर डायर यहीं खड़ा हुआ था, तो इस बाग में कहा जाता है कि 20,000 के आसपास लोग, कहीं कहीं मिलता है 25,000 लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। बात केवल यही हो रही थी कैसे यहाँ, मतलब कि इनको आजाद करवाया जाए, कैसे इस कानून को वापस करवाया जाए, और कोई बड़ी बात नहीं हो रही थी। ऐसे में ये जो आर डायर है, रेजिनाल्ड डायर आया, आर डायर जो था उस समय पंजाब सेना, पंजाब में जो सैनिक सैनिक तैनात थे उनका मुख्य अधिकारी था, वो पहुंचता है इस बाग के गेट के पास, यहीं पर खड़ा हो जाता है और ढेर सारे सैनिक यहाँ बॉर्ड लगा देता है, और कहता है कि 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी टाइम दिया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दिया था, कि ये बाग खाली करो आप, नहीं तो मैं फायरिंग करवा दूंगा। पहले तो लोग कि ऐसे कह रहा है, लेकिन फिर जब उसके नीयत देखी गई कि ये सच में फायरिंग करवा देगा, तो लोग भागना शुरू किए। 20,000 लोग 2 मिनट में, और एक ही गेट था ये सामने, यहीं पर ये खड़ा है, कैसे निकल के भाग सकते हैं। भगदड़ मची और ये फायरिंग करवा दिया, और कहा जाता है कि 1,650 राउंड फायरिंग होती है, और इतना भगदड़ मचता है कि 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती है, लगातार फायरिंग। और इस दौरान केवल एक बार शांति होती थी, जब मतलब शांत पड़ता था माहौल, जब गोली को लोड करने लगते थे, उसी दौरान फिर तड़ातड़ातड़ातड़ फायरिंग शुरू हो जाती थी। 10 मिनट जैसे कि चूहे बिल्ली का शिकार किया जा रहा हो, ऐसे फायरिंग कर रहे थे, इंसानों के ऊपर एक इंसान कर रहा था और ये कमीना करवा रहा था, ये कमीना करवा रहा था। इस कमीने ने यहाँ पर फायरिंग करवाया, और लगभग इसमें जो सरकारी आंकड़ा आया है, सरकारी आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में मतलब सरकार ने, जो अंग्रेजों ने आंकड़ा रिलीज किया, उसने कहा कि 379 लोग मारे गए हैं और 1,200 लोग घायल हैं, ये। लेकिन वास्तविकता ये थी कि 1,000 लोग मारे गए इस हत्याकांड में और 3,000 लोग घायल हो गए। इतना भयानक, यहाँ इतनी बर्बर तरीके से इसने एक ही दिन में 10 मिनट में भून के रख दिया 1,000 लोगों को और 3,000 लोग घायल हो गए। और इसी बाग के अंदर एक कुआं था, इसको आज खूनी कुआं कहा जाता है। इस कुएं में लोग जान बचाने के कारण, की जान बच जाएगी इसलिए कूद पड़े, और इस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। 120 लोग इस कुएं में कूद गए थे, जिसे खूनी कुआं के नाम से आज भी जानते हैं, वहां जगह वाले बाग में आज भी मौजूद है, और वहां की दीवालों पर आज भी गोली के निशान आपको मिलेंगे, चित्र में आपको दिख रहा होगा, तो वहां पर आज भी ये सब मौजूद है। और इस खूनी कुएं से 120 लाशें निकाली गई इसकी वजह से। और ये क्या था, उस समय सेनापति था, और ये क्या था, ये ओ डायर क्या था, ये गवर्नर था। ध्यान समझिए, गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर होता है। शुरू में जब अंग्रेज यहाँ आए, थोड़ा समझिए, शुरू में जब अंग्रेज यहाँ व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, तो कंपनी के मुख्य अधिकारी को गवर्नर बोलते थे। जब कंपनी आई तो उसने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई, एक बंबई में बनाई, एक मद्रास में बनाई, एक कलकत्ता में बनाई। तीनों प्रेसिडेंसियों पर अलग अलग गवर्नर होते थे, 3 जगह से कंपनी शासन कर रही थी, व्यापार कर रही थी। फिर 1773-72 का एक्ट आता है और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तब पहली बार भारत बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बनता है। तो वही बंगाल गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल सभी इन इस गवर्नर पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल सबका नेता बन के आ गया, तो वही गवर्नर जनरल था। और भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया जाता है वो यहाँ से बनता है, वो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो होता है ना, वो मुख्य होता है, उसके अंडर में कई गवर्नर काम करते हैं। जैसे आज भारत में राष्ट्रपति पूरे देश का मुखिया है और उसके अंडर में हर राज्य में राज्यपाल काम करते हैं, तो राज्यपाल राज्य में जो गवर्नर हैं, राज्यपाल वो मुख्य आदमी राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं, वैसे ही वायसराय के अंडर में गवर्नर काम करते थे। तो उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
और इसका जो समय था वो 1916 से 1921 तक था, और ये 1919 का घटना ही है। और उस समय इसने पंजाब में जिसको गवर्नर नियुक्त किया था वो था ओ डायर, और इस ओ डायर ने जिसको सेनापति यहाँ बनाया था उसका नाम था आर डायर, मतलब रेजिनाल्ड डायर, और इसी डायर ने यहाँ पर फायरिंग करवाया था। और इसमें कितने लोग मारे गए, इसने कहा 389 लोग, 79 लोग मारे गए हैं, जबकि आंकड़ा था कि 1,000 लोग मारे गए, 3,000 घायल हुए, और इस कुएं से ही 120 लोग निकाले गए थे मुर्दा, मतलब कि लाशें निकाली गई थी। इतनी भयानक गोलीबारी घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को शाम को 4:30 बजे घटना घटती है, जब लोग मेले से लौट रहे थे, मतलब मत्था टेक के लौट रहे थे, बाग में इकट्ठा हुए थे। इस कमीने ने जो एक्ट लाया था इसी एक्ट के विरोध में बातचीत चल रही थी। जब ये कांड हो गया और जगह जगह इसके भयानक आलोचना होने लगी, लोग इसका विरोध करने लगे, तब अंग्रेजों ने दबाव में आकर, प्रेशर में आकर इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की, और उस समिति का नाम रखा हंटर कमीशन। इसके अध्यक्ष सर हंटर थे जो कि एक अंग्रेज थे। कुल 8 लोग थे इस समिति में, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीयों को भी शामिल कर लिया, ताकि नाम रहे कि हाँ भारतीयों को भी शामिल किया है। उनका नाम था चिमन लाल, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान। ये 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे। सर हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन गठित हुई, और एक कमीशन ने कहा, इस कमीशन ने जब जाँच किया तो इस कमीने ने क्या कहा, सर डायर ने क्या कहा कि हम सेना लेकर वहां गए थे, मार्शल लॉ का विरोध होता, अगर भीड़ पर आक्रमण ना करते, भीड़ हमारे ऊपर आक्रमण कर देती, हम मारे जाते, इसीलिए हमें मजबूरी में आक्रमण करना पड़ा, हमें फायरिंग करनी पड़ी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इनके पदोन्नत कर दिया, इसके पद को बढ़ा दिया, हाँ तुमने जो किया बहुत अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन अब तुम यहां मत रहो, यहां रहोगे तो मार दिए जाओगे। इसकी पदोन्नत कर दी और इसको यहाँ से भगा दिए, ये यहाँ से चला जाता है, ठीक, ये चला जाता है। लेकिन इसी जलियांवाले हत्याकांड में एक आदमी घायल होता है जो कि बच जाता है, नाम था उधम सिंह। उसने प्रण किया कि कमीनों को छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए वो उसी दिन से तैयारी में लग गया कि आज नहीं तो कल इसको ख़त्म करेंगे। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता, पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके अमेरिका जाता है, अमेरिका के बाद ब्रिटेन जाता है, ब्रिटेन जाता है और वहाँ पर कुछ पैसा इकट्ठा करता है, बंदूक खरीदता है, बंदूक खरीद कर इंतजार में था कि इसको मारेंगे, लेकिन उसके पहले ही ये बीमारी से मर चुका था, पहले ही मर चुका था। अब बचा एक आदमी, ये जिसने उस दिन आदेश दिया था, क्योंकि ये फायरिंग तभी करता जब ये गवर्नर यहाँ जो था ये जब तक आर्डर ना देता, इसी के आर्डर से इसने फायरिंग करवाया था यहाँ पर, तो इसको मारने का प्लान बनाया। ब्रिटेन में लंदन में एक हॉल था, कैक्सटन हॉल, कैक्सटन हॉल में एक सभा आयोजित थी, वहाँ लोग जाकर स्पीच दे रहे थे, अपनी भाषा अपनी बातें बोल रहे थे, उसी में स्पीच दे रहा था ये ओ डायर गया जब स्पीच देने, तो ये जो उधम सिंह थे, उधम सिंह जो वहाँ घायल हुए थे बच गए थे, उधम सिंह वहाँ पर उसी हॉल में गए हुए थे, एक किताब मोटी से लिए हुए थे, जैसे मान लो मैं किताब दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो ये किताब है, मान लो ये किताब है, इस किताब को मैं क्या करूं, अंदर से यहाँ बंदूक के रूप में ऐसे काट लूं, ऐसे और काट लूं और इसी में बंदूक रख लूं, बंदूक रख के बंद कर लूं, क्या पता चलेगा इसमें बंदूक है, अब इसको लेकर मैं हॉल में चला जाऊं। तो ऐसे ही वो एक किताब लेकर ऐसे हॉल में गए, वहां बैठे थे, जैसे ही ये आदमी स्पीच देने के लिए सभा के मेन जगह पर आता है, वैसे ही वो निकल कर बाहर आते हैं और किताब खोलते हैं, उन्हें लगा किताब खोल रहा है कुछ बोलेगा इसमें से, देखकर तुरंत बंदूक निकालते हैं और 3 फायरिंग, वैसे 3 फायरिंग करते हैं और तुरंत ही उसी समय वो मर जाता है। और उसके बाद इनको पकड़कर 1940 में, 1940 घटना है, 1919 के 21 साल बाद 1940 में उधम सिंह को भी फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन जिस दिन वो मारते हैं वो बोलते हैं आज मेरा बदला पूरा हुआ, और उसी दिन से अंग्रेजों के अंदर और डर आ गया कि 40 की बात है, 47 भारत आज़ादी होता है, 40 में ही अंग्रेजों के अंदर और डर आ गया, ये भारतीय तो हमारे यहाँ भी आकर नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो विदेशों में ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, भारत में क्या छोड़ेंगे, इसलिए अंग्रेज और डरने लगे। तब इनके मन में आया कि भारत को अब आज़ाद कर देना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा सख्त बनना जरूरी था, नहीं तो अंग्रेज इतनी जल्दी से जाने वाले नहीं थे। ये कमीशन भी बनता है तो उसमें 5 अंग्रेज बैठे हुए हैं, क्या निर्णय देंगे, आपको लगता है सही निर्णय देंगे? हाँ, एक कांग्रेस ने भी एक कमीशन बनाया था जांच के लिए, उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमीशन बनी थी, उसी ने वो नया रिपोर्ट दिया था जिसमें बताया गया कि 1,000 लोग मारे गए थे, तो कांग्रेस ने बनाया था। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है, और महामना के उपाधि को महात्मा गांधी ने दी थी,
ठीक। तो ये था जलियांवाला बाग का नरसंहार। अभी खिलाफत आंदोलन है, बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं, फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। आशा करते समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें।